फ्लेंज या जिसको हम फ्लेंज कपलिंग बोलते हैं उसके ऊपर जिग लगा के किस तरह से होल ड्रिल किए जाते हैं उसका मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऊपर जिग है, ठीक है, और नीचे आपका फ्लेंज है और इसके ऊपर मार्किंग परफॉर्म की जा रही है। आप देख सकते हैं पंच है, पंच से मार्क बनाया जा रहा है और मार्क बनाने के बाद इसके ऊपर ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। ये देखिए फ्लेंज है और ये पंच से मार्किंग कर रहे हैं, है ना। इससे पहले इसके ऊपर लेथ पे ऑपरेशन परफॉर्म, ये सी क्लैंप देख रहे हैं जिससे आपने वर्कपीस को होल्ड किया हुआ है। ये देखिए मार्क इस तरह से बन गए हैं। अब ड्रिलिंग मशीन को यूज़ करके इस पे आसानी से होल बनाया जाएगा, ठीक है। बेसिकली इसमें 25 mm का होल करना है, लेकिन सबसे पहले इसमें छोटी ड्रिल मशीन है, ये आप देख सकते हैं जिग्स हैं जो कि डिफरेंट साइज के फ्लेंजेस आते हैं उनके ऊपर होल ड्रिल करने के लिए होते हैं। आप देख सकते हैं डिफरेंट साइज़ के फ्लेंज हैं प्लस होल के भी डिफरेंट साइजेस हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये रेडीमेड जिग्स आपको मार्केट में मिल जाते हैं, प्लस आप कस्टमाइज बनवाना चाहें तो वो भी बन सकते हैं इस तरह से। और ये देखिए आपका जो कूलिंग ऑयल है ना, कूलेंट बोल सकते हैं इसको, जो कि मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो हीट जनरेट होती है उसको डिसिपेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो सबसे पहले जो छोटी ड्रिल मशीन है इसे हम 5 mm का होल कर लेते हैं और उसके बाद आप 25 mm का होल ड्रिल करेंगे बड़ी मशीन से। एक साथ ड्रिल करेंगे तो उसमें ड्रिल आपका टूट सकता है इस तरह से। ये छोटा ड्रिल मशीन है जिसको बेंच ड्रिल बोलते हैं। और ये आप एक तरफ लीवर देख रहे हैं, लीवर को प्रेस करते हैं तो आपका जो ड्रिल बिट है वो ऊपर नीचे जाता है। और इन्होंने बड़ा लीवर लगा रखा है जिससे आप आसानी से ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर सकें कम एफर्ट लगा के। ये मशीन देख सकते हैं पीछे मोटर है, मोटर से फिर पावर का ट्रांसमिशन होता है बेल्ट पुली सिस्टम के द्वारा। और इस तरह से फाइनली नीचे ड्रिल चक में आपका ड्रिल बिट लगा रहता है जिससे आप होल ड्रिल करते हैं। ये यहाँ पे जो फ्लेंज बन रहा है ये MS मटेरियल है, माइल्ड स्टील का। और ये कंटिन्यूसली कूलेंट डालना पड़ता है, अदरवाइज आपका जो ड्रिल बिट है वो ख़राब हो सकता है और मटेरियल भी आपका डिस्टॉर्ट हो सकता है। ये देखिए इस तरह से होल ड्रिल किया जा रहा है इसमें। अब ये जो स्लीव होता है जिसके अंदर आप ड्रिल चक लगाते हैं उसको किया जा रहा है। ये पूरा ड्रिल अडेप्टर है, नहीं अलग अलग साइज़ का आता है मार्केट में। ये खोल के निकाल रहे हैं अभी इसको। इसके बाद इसको जो मशीन है उसमें लगाया जाएगा, वो पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। निकल आया अभी मशीन में पुराना, ये आपका 38 mm का लगा हुआ है, इसको निकाल के 25 mm का ड्रिल बिट लगाया जाएगा। ये टेबल घुमा दिया आपने, टेबल घुमाने के लिए, टेबल मतलब आपका 360 घूम सकता है इसके कॉलम के अबाउट, ठीक है। और उसके बाद आपने नया ड्रिल बिट इसमें इंसर्ट कर दिया, लगा दिया। ये आप देख सकते हैं स्पीड चेंज करने के लिए पीछे पुली का सिस्टम लगा हुआ है, तो वहाँ से बेल्ट को चेंज करके आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये नीचे से बेल्ट के थ्रू पावर का ट्रांसमिशन, ये देख सकते हैं मोटर है, मोटर से फिर आप बेल्ट ड्राइव के थ्रू ऊपर पावर का ट्रांसमिशन करते हैं, फिर यहाँ पे बेबल गियर के थ्रू नीचे पावर आता है। ये 5 mm का होल हो चुका है, अब 25 mm का होल इस पर हम करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये इक्वी डिस्टेंस पर होल होते हैं और इसका पिच सर्कल डायमीटर होता है जो फ्लेंज का, वहाँ पर होल आपका सेंटर किया जाता है। ये देखिए इन्होंने बड़ा इसमें लीवर लगा लिया जिससे आप कम से कम फोर्स लगा के आप होल को कर सकें, ना नीचे प्रेस करने के लिए बेसिकली वो लीवर लगा हुआ है, हैंडल लगा हुआ है। और चूंकि ये MS है, MS डक्टाइल होता है, इसलिए इसमें कंटिन्यूस चिप जनरेट होती है। आप देखिए चिप की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इवन लेथ मशीन पर भी करते हैं तब भी इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा चिप जनरेट होता है, कंटिन्यूस चिप जनरेट होती है। देखिए किस तरह से पावर कट इसको किया जा रहा है पूरे प्रोसेस को। ये आपका जो ड्रिल बिट है वो थोड़ा सा वो हो गया था तो इसके ऊपर ग्राइंडिंग परफॉर्म की जा रही है। ये आपका बेंच ग्राइंडर है, इसके जो नीचे वाले टिप्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, जहाँ से आप कटिंग ये परफॉर्म करता है उसकी ग्राइंडिंग
की जा रही है। फ्लेंजेस काफ़ी जगह यूज़ करते हैं, हाइड्रोलिक सिलेंडर है आपका, दो पाइप्स को कनेक्ट करना है ना, तो वहाँ पे इस तरह का फ्लेंज कपलिंग यूज़ करते हैं, दो शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए भी फ्लेंज कपलिंग यूज़ करते हैं, है ना। हाइड्रोलिक सिलेंडर में तो काफ़ी जगह इसका यूज़ है, एज अ कवर भी यूज़ किया जाता है इसको। ये देखिए पावर का ट्रांसमिशन, नीचे मोटर है, मोटर से फिर पुलिस के थ्रू ऊपर पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है, वहाँ से फिर ये शाफ्ट लगी हुई है, बेवल गियर्स हैं, उसके थ्रू ये नीचे आपका डिलीवर रोटेट हो रहा है। ये काफ़ी पुरानी मशीन है और ये इस तरह की मशीन यूज़ करते हैं बड़ा होल ड्रिल करने के लिए। छोटे होल के लिए तो आप जो नॉर्मल मशीन आती है उससे ही कर सकते हैं, जैसे आपको 25, 30 mm, 35 mm, तो उसके लिए आप इस तरह की ड्रिल मशीन यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो आपका ड्रिल बिट होता है वो हाई स्पीड स्टील का होता है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।